रेडियो नारद 90.4 FM से मैं आरजे यशि स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के प्रोग्राम स्पेशल शो में। और दोस्तों, लेकर आई हूँ आज आपके लिए इतना खास दिन जिसमें सब कुछ हरा भरा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज है हरियाली तीज, जिसे हम श्रावणी तीज भी कहते हैं। अब श्रावणी तीज इसे क्यों कहते हैं, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से यह महीना श्रावण मास का महीना चल रहा है, जिसमें शुक्ल पक्ष की तृतीय को हम हरियाली तीज मनाते हैं और इसीलिए इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। दोस्तों, हाथों में हरी हरी चूड़ियां और माथे पे बिंदिया, हाथों में लगी हुई मेहंदी और हरे रंग की साड़ी, सावन के महीने में महिलाएं काफी खुश होती हैं, खास तौर पर सुहागन महिलाएं। और खुश भी क्यों ना हो, आखिर इस महीने में सुहागन महिलाओं को कोला श्रृंगार करने का पूरा मौका जो मिलता है। सावन के महीने में हरे रंग का बहुत महत्व होता है और बात अगर हरियाली तीज की हो तो इस दिन का महत्व और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं उपवास कर 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, उनकी तरक्की और सेहतमंद जिंदगी की कामना करती हैं। और बात अगर कुंवारी लड़कियों के बारे में की जाए तो वो भी इस दिन व्रत रखकर अपने अच्छे वर की कामना करती हैं और एक दूसरे के हाथों में मेहंदी भी लगती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये कहा जाता है कि भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे और उन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद 108वें जन्म में उनके लंबे इंतजार के बाद भगवान शंकर से उनका विवाह हो गया। इसीलिए इस दिन व्रत रखकर महादेव और माता पार्वती से लड़कियां अपने लिए मनपसंद वर मांगती हैं और सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने लिए अखंड सौभाग्यवती का फल प्राप्त करती हैं। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ और आपको बताती हूँ हरियाली तीज के दिन हरे रंग का क्या महत्व है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से, मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। और दोस्तों, आज है हरियाली तीज, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हरियाली तीज के दिन हरे रंग का क्या महत्व है। हरा रंग मन की आंखों की शांति का प्रतीक है। जी हाँ, जब हम बहुत परेशान होते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो अपने स्ट्रेस को, अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए हम ग्रीनरी की तरफ भागते हैं, जहाँ हरियाली होती है, पेड़ पौधे देखकर हमारे दिल को बहुत सारी शांति मिलती है, मानते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है कि मन की शांति या आंखों की शांति के लिए हरा रंग बहुत शुभ होता है। हरा रंग हमें एनर्जेटिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी के साथ बात करें बुद्धि की तो दोस्तों, हरे रंग से हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होती है और हमें सुख समृद्धि मिलती है। कहा जाता है कि हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक होता है। श्रावण शुरू होते ही ढेर सारी बारिश होने लगती है, जिससे गर्मी कम होती है और पेड़ पौधे खिलखिला उठते हैं। अब एक साइंटिफिक रीजन की बात करते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना बारिश लेकर आता है और मौसम के प्रभाव के कारण मनुष्य पर काम का बहुत सारा बर्डन हो जाता है। वातावरण में नमी से बीमारियां भी फैलने लगती हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हरा रंग कई तरह के रोगों के उपचार में काम करता है। अब बात करते हैं रिलीजियस व्यूज की तो दोस्तों, माता पार्वती का प्रिय रंग हरा माना जाता है। तो क्योंकि माता पार्वती को हरा रंग बहुत पसंद होता है, इसलिए महादेव को भी हरा रंग प्रिय होता है। तो जब आप हरे रंग की चूड़ियां, बिंदी माता पार्वती को अर्पित करते हैं और खुद भी धारण करते हैं तो कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन की कलेश खत्म हो जाती है। हरी चूड़ियां पहनने से पति की लंबी आयु होती है और हरा रंग न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ, न्यू डेवलपमेंट यानी नई शुरुआत में बहुत फलदायी होता है। इसी के साथ कहा जाता है कि हरियाली तीज पर पर्व का आरंभ होता है, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नाग पंचमी और भी बहुत सारे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि हरियाली तीज पर हरे रंग का क्या महत्व होता है और क्यों महिलाएं हरी साड़ियां पहनना पसंद करती हैं, हरा श्रृंगार करना पसंद करती हैं। इसी के साथ अब वक्त हो चला है चलने का, लेकिन फिर हाजिर होंगी एक नई खास दिन पर एक नई खास चीज लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ यानी आरजे याशी के साथ, ओनली ऑन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की